हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुधा। आज मैं लेकर आई हूँ गायर की कड़ी। सर्दियों के सीज़न में गायर बहुत आसानी से मिल भी जाती है। सर्दियों के सीज़न में गायर की कड़ी आप ज़रूर बनाएं। कैसे बनाएं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास है गायर की कड़ी बनाने की बेस्ट ट्रिक। गायर की कड़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, चलिए देखते हैं। 500 ग्राम हमने छाछ ली है, एक बड़ा कप बेसन लिया है, दो छोटी बॉल में गायर ली है, जिसमें एक बॉल में गायर के छोटे पीस कर लिए हैं और दूसरी बॉल में गायर को कद्दूकस कर लिया है, 5 से 6 सूखी साबुत लाल मिर्च, चुटकी भर हींग, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा लिया है। सबसे पहले हम छाछ में बेसन का घोल तैयार करेंगे। अब हम इसी बॉल में बेसन को मिक्स करेंगे। आप चाहें तो दूसरा भी बर्तन ले सकते हैं घोल तैयार करने के लिए। ये बेसन को डाल देंगे छाछ में। आप अपनी सुविधा के अनुसार घोल तैयार कर सकते हैं, यानी कि घोल को हाथ से या करचली से की सहायता से घोल तैयार किया जा सकता है। ध्यान रहे कि घोल में बेसन की गुठलियाँ ना पड़ें। बेसन छाछ में अच्छे से मिक्स होना चाहिए और ये हमारा घोल बनकर तैयार हो चुका है। अब हम कड़ी में तड़का लगाएंगे। तड़का आप बाद में भी लगा सकते हैं। 2 चम्मच ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हम जीरा डाल देते हैं। इसके बाद हींग को, और अब साबुत लाल मिर्च को भी डाल देते हैं। लाल मिर्च को थोड़ा भून लेते हैं और इसके बाद हम डालेंगे धनिया पाउडर। साथ ही साथ हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। और ये हमने गायर के छोटे छोटे पीस किए थे वो भी डाल देंगे, क्योंकि इन्हें हमें गलाना भी है। मसालों में गायर को अच्छे से मिलाएंगे। गायर को गलाने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी हम 1 कप के करीब डालेंगे। अब गाजर को हम ढककर पकाएंगे करीब 10 मिनट के लिए। ढक देते हैं। और बीच बीच में इसे चेक करते रहना है। तो अभी हमारी गाजर पकी नहीं है, थोड़ी देर और पकाते हैं। ढक देते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं थोड़ी देर बाद कि गाजर हमारी पक चुकी हैं या नहीं। हाथ से या करचली से दबा के आप चेक कर सकते हैं। मैं उंगलियों के बीच दबा कर गायर को चेक कर लेती हूँ। तो ये गायर हमारी अच्छे से पक चुकी है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे बेसन के घोल को। ये हमने बेसन का घोल डाल दिया। बेसन का घोल डालते समय करचली को आपको ऐसे चलाते रहना है एक हाथ से, और एक हाथ से आप बेसन का घोल डाल देंगे। और इस तरह से हम बेसन को करचली से चलाते रहेंगे। 1 गिलास के करीब पानी डाल देते हैं। इस घोल में हम करीब 1 से 2 गिलास पानी ऐड करेंगे, तो 1 गिलास और डाल देते हैं। और अब इसमें कद्दूकस की हुई गायर भी डाल देते हैं। इसी तरह से हमें चलाते रहना है इसको। ऐसे ही चलाने का एक रीज़न है, ये जो हमारी छाछ है वो फटे ना, इसलिए हमें इसे करचली से ऐसे चलाते ही रहना है। और इसको हम तब तक चलाएंगे जब तक कि कड़ी में से हल्के से बबल्स ना आ जाए। और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। तो ये हमारी कड़ी से बबल्स भी आने शुरू हो गए हैं। और अब आपको करचली चलाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। यह एक ऐसी रेसिपी है जो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, 1 घंटे में तैयार होने वाली रेसिपी है। और अब इसमें ऐड कर देते हैं नमक। नमक को हम कड़ी में अच्छे से मिलाएंगे। इसको आप ऐसे ही पकाएंगे तो आपकी कड़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो ये हमारी कड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे एक प्याले में निकाल लेंगे। स्पेशली कड़ी का चावल के साथ बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और आप इसे चपाती या मक्के की रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।